एक समय की बात है जब उन दिनों बहुत ठंड पड़ने लगती है। गायबपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सालिक राम नाम का एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटकर अपना व्यापार चलाता था। देखो अब मैं लकड़ियां शहर लेकर जाया करूंगा, रमेश बोलता था। शहर के एक होटल में बहुत महंगी लकड़ियां बिक जाती हैं क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है इसलिए। हाँ जी, जैसी आपकी इच्छा, जहाँ से भी बेचो। फिर अगले दिन सालिक राम लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है। फिर जंगल में सालिक राम लकड़ी काटता है। फिर सालिक राम को ठंड ज़्यादा लगती है तो सालिक राम का लकड़ी का बोझ तेज कपकपी के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। ये क्या, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि लकड़ियाँ सिर पर नहीं रुक पा रही हैं। मन तो करता है पहले यहीं अलाव जलाकर ताप लूँ, लेकिन माचिस नहीं है, क्या करूँ। चलो कोशिश करता हूँ जंगल के बाहर ले जाने की। जंगल के बाहर कोई ना कोई तो अलाव जला ही रहे होंगे इतनी ठंड में। फिर सालिक राम सिर पर बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ रखता है और वहाँ से बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है। फिर सालिक राम घर जाता है और फिर लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर के लिए चल देता है। फिर सालिक राम गाँव के बाहर पहुँचता है कि देखता है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और आगे देखता है कि कुछ लोग अलाव जला रहे थे, वे अलाव ताप रहे थे। हे ईश्वर, ये ठंड तो जान ले लेगी। चलो पहले मैं यहाँ थोड़ा अलाव ताप लेता हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ता हूँ। फिर सालिक राम अलाव के पास जाता है, फिर देखता है कि एक आदमी अलाव ताप रहा था। सालिक राम भी अलाव तापने लगता है। बेटा, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, अब तुमने ना शॉल ढक रखी है और ना ही कंबल पहन रखा और ना ही कोई और गर्म कपड़े पहन रखे हैं। वैसे बेटा, इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह लकड़ी बेचने शहर मत जाया करो, ठंड बहुत ख़राब चीज़ होती है, कहीं सर्दी लग गई तो। अरे काका, सभी मौसम सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर और सभी मौसम ख़राब भी होते हैं अधिकता के कारण अपनी अपनी जगह पर। और काका, आप बोल रहे थे मैं गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनता? क्योंकि काका, मुझे बचपन से ही आदत पड़ी है सिर्फ यही बनियान पहनने की, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, मैं हर जगह ऐसे ही चलता रहता हूँ। अच्छा काका, मैं चलता हूँ शहर, शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर सालिक राम तुरंत ही लकड़ी लेकर शहर के लिए चल देता है। फिर सालिक राम को रास्ते में सुरेश नाम का एक आदमी मिलता है। अरे क्या बात है सालिक राम, तुम भी शहरी लकड़ी बेचने जा रहे हो? हाँ सुरेश, मैं भी शहरी जा रहा हूँ लकड़ी बेचने। तुम भी वहीं गए थे क्या? हाँ सालिक राम, मैं काजीराम के होटल से बेचकर आ रहा हूँ लकड़ी, वहाँ शहर में बहुत अच्छे दाम लगते हैं, मैं प्रतिदिन शहरी जाता हूँ, बहुत अच्छे दाम में लकड़ियाँ बिक जाती हैं। ठीक है भाई, इसीलिए तो मैं भी शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जा रहा हूँ। फिर सालिक राम यह कहकर आगे बढ़ जाता है। फिर सालिक राम शहर में एक होटल पर लकड़ियाँ बेचता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सालिक राम लकड़ियाँ काटने जंगल जाता है और लकड़ियाँ काटकर घर आता है और फिर सुबह सुबह लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर के लिए चल देता है। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड हो चली थी कि सालिक राम को चक्कर आने लगा था। हे ईश्वर, ठंड थोड़ी कम कर लो, नहीं तो हम गरीबों का क्या होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा है। अगर ऐसे ही ठंड होती रही तो कैसे हम लोग अपना ये गुजारा कर पाएंगे। अरे ओ सालिक राम कक्कू, मैं भी यहीं पर हूँ, पहले ये बताओ, जा रहे हो शहर लकड़ियाँ बेचने, वो भी इतनी सुबह सुबह के टाइम पर, शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं पहना है और बाद में बोल रहे हो ठंड बहुत लग रही है। अरे कोई बात नहीं भाई,
ये मेरी आदत है कपड़े ना पहनने की, मैं भी चल सकता हूँ। वैसे बैठ गया था, थोड़ा आराम करने लगा था। फिर सालिक राम लकड़ियाँ उठाकर शहर के लिए चल देता है। देखो सालिक राम, तुम्हारी लकड़ियों में कोई कमी नहीं है। तुम इस तरह से 16 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल, गांव से यहाँ लकड़ी लाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम एक साइकिल क्यों नहीं ले लेते, तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं नहीं साहब, आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और आपके लिए मैं लकड़ियाँ ऐसे ही सिर पर ढुलता रहूँगा, क्योंकि मेरी खोपड़ियाँ बहुत मजबूत है। और आपने बोला साइकिल, तो साहब मेरे पास साइकिल कहाँ है, इतने पैसे ही मेरे पास नहीं बच पाते हैं कि मैं एक साइकिल खरीद सकूं। फिलहाल तो मैं इतना मजबूत हूं कि पैदल ही मैं काम चला सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी लाओ, ये तुम्हारी इच्छा। फिर सालिक राम लकड़ी बेचकर घर जाता है। फिर घर पहुंचकर सालिक राम का बेटा झन्नू सालिक राम से कहता है, पापा आप सुबह लकड़ी बेचने जाते हो इतनी ठंड में, और दोपहर में आते हो, फिर खाना खाकर तुरंत यहाँ से जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते हो। आपसे सिर्फ शाम को ही अच्छे से मुलाकात हो पाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। अरे क्या करें बेटा, अगर इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा कपड़ा, खाना, कलम, किताब, ये सब कैसे दे पाएंगे। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, लकड़ी लेने जाना है, फिर शाम को आकर बातें करेंगे। फिर सालिक राम जंगल जाता है और वहाँ लकड़ियाँ काटता है। फिर लकड़ियाँ काटकर जंगल से चल देता है। फिर जंगल से निकलकर रास्ते में देखता है कि एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था, तो सालिक राम उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। अरे क्या बात है काका, बहुत कांप रहे हो, और इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो। बेटा मैं जंगल जा रहा था लकड़ी बीनने के लिए, लेकिन ठंड से मुझे बहुत दर्द होने लगा, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं यहीं पर बैठ गया। बेटा माचिस हो तो अलाव जला दो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। ठीक है काका, वैसे यहाँ पर और लकड़ियाँ तो नहीं हैं, सिर्फ मेरे पास ही हैं, चलो इन्हीं को जला देता हूँ कि आपको ठंड से कुछ निजात मिल सके। फिर सालिक राम अलाव जलाता है और फिर वे बुजुर्ग आदमी कुछ देर तापते हैं, और फिर उस बुजुर्ग आदमी को कुछ राहत की सांस मिलती है। अच्छा काका अब मैं चलता हूँ, और आप भी घर जाओ। ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं अभी कुछ देर में आऊँगा। फिर सालिक राम वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। ये क्या, मेरे ऊपर लकड़ी का लगभग 15 किलो का बोझ है, और मुझे ये इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरे सिर पर सिर्फ 1-2 किलो का ही वजन है, और मुझे ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत हल्की हल्की मुझे ठंड महसूस हो रही है, ये कैसा चमत्कार है। अच्छा लगता है उन बाबा को अलाव तपाने का ही फल मिला है मुझे, ये तो ठंड में जादू हो गया है अलाव तपाने से। फिर प्रतिदिन सालिक राम भयंकर से भयंकर ठंड में लकड़ी काटने जाता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी, और सिर पर 2-3 क्विंटल का वजन लकड़ी सिर पर रखता था, और उसे सिर पर बिल्कुल भी वजन नहीं मालूम पड़ता था, और वो आराम से शहर जा कर के बेच देता था। ज़्यादा लकड़ी काटने और ज़्यादा बेचने से सालिक राम की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर उसी दिन से सालिक राम के काफ़ी रुपये बच जाते हैं, जिससे सालिक राम की गरीबी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय ज़रूर दो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।